press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Global Advertiser for innovative outdoor solutions. का कल्चर और भोजपुरी मिट्टी की खुशबू दोनों देखने को मिलने वाली है, क्या इसलिए मैं ज्यादा एक्साइटेड हूँ। भोजपुरी जो इंडस्ट्री एक नए आयाम पे है, बड़ी बजट की फिल्में गोविंद लाइव कर लाइव कर रही है, क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी है इस माध्यम से जुड़ के आपको? बहुत बढ़िया, भोजपुरी के लिए अब सुनहरा दिन आने वाला है और सबसे बड़ी बात है कि भोजपुरी का डिजिटलाइजेशन हो रहा है और हम लोगों का पावर है, भोजपुरी इंडस्ट्री का पावर है, हम लोगों का पब्लिक स्ट्रेंथ। मेरे ख्याल से इंडिया में जितनी भी रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनमें सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ हमारी भोजपुरी की है। क्या बात, सुनने वाले समझने वाले बहुत ज़्यादा हैं, तो जो हमारी स्ट्रेंथ है पब्लिक की वो हमारी ताकत है और इस ताकत के बलबूते पे हम लोग फ्यूचर में, इन फ्यूचर हम लोग बहुत अच्छा करने वाले हैं, ये मेरा विश्वास है। जी, आपकी सोच काफ़ी अच्छी है, आप काफ़ी तारीफ कर रहे हैं भोजपुरी के। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो भोजपुरी इंडस्ट्री को लेकर अभी भी वही मानसिकता रखते हैं, तो क्या करें कि वो उनको मैं ये बोलना चाहूँगा कि वो अपनी मानसिकता बदल लें, नहीं तो वक्त उनको उनकी मानसिकता बदलने पे मजबूर कर दे। नहीं तो अपनी मानसिक स्थिति का इलाज रांची में एक काके जगह है, वहाँ पे जाके करवा लें। ये भी मैं कह दे रहा हूँ, जम के विरोध करता हूँ सर। और मैं जम के विरोध करता हूँ इस बात का सिद्धार्थ मल्होत्रा जी का कि उनको कोई हक नहीं है, उनको कोई हक नहीं है कि किसी भाषा के बारे में, जब हम नहीं करते हैं किसी भाषा के बारे में अभद्र टिप्पणी, तो उनको भी किसी अनदर कोई भी पर्सन को हमारी भाषा के बारे में कोई टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। और आप बताइए कि अगर यूपी बिहार की पब्लिक हिंदी पिक्चरें देखना छोड़ दे तो कितना नुकसान होने वाला है बॉलीवुड का। सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म को अगर यूपी बिहार की पब्लिक ने सिरे से नकार दिया तो सिद्धार्थ मल्होत्रा को कितना नुकसान होगा। तो उनसे मेरा एक रिक्वेस्ट है और हिदायत भी है कि आगे से ऐसे बयानों से बचें। इसके आगे के प्रोजेक्ट क्या होने वाले हैं, कि और कौन से प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं? अभी हमारा पिक्चर दरार 2 आने वाला है, नाचे नागिन गली गली। अभी हमने करके आए किसमें कितना है दम, अभी मेरी जान तिरंगा, और बहुत अच्छे अच्छे और बहुत सारे प्रोजेक्ट अभी मैं 2-3 दिन के अंदर अनाउंस होंगे आप लोगों के बीच में। मैं उन प्रोडक्ट्स को लेके बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत जल्द आप लोगों को सुनने को मिलेगा। उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और रतन राहा जी भी मतलब मुझे बहुत प्यार दिए हैं, उसके लिए भी उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी सब हम चाहते हैं कि अल्लाह करे कि ये पिक्चर अच्छा सुपर हिट हो और सारे टीम कामयाब रहें। बेसिकली हमारे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, टेक्नीशियन और आप सब लोग सभी कामयाब रहें, हमारी तहे दिल से यही दुआ है। धन्यवाद।
सबसे पहले तो आप तमाम पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। गलत हो रहा है। हेलो, सबसे पहले तो आप तमाम भोजपुरी श्रोता को चंदन सिंह का प्रणाम, आशीर्वाद का कामना। मुझे बहुत खुशी हो रहा है एक पे एक मुहूर्त में देख के। और आज हम लोग मोहरा के मुहूर्त में है, जिसके हीरो रितेश जी हैं और जिसके राइटर जो कि मेरा फेवरेट अनिल विश्वकर्मा जी हैं। बहुत ही अच्छे राइटर हैं और मैंने अभी कंटिन्यू 3 फिल्में किया साथ में अनिल जी के साथ, बहुत अच्छा लगा। और ढेर सारी शुभकामनाएं मोहरा के पूरी टीम को। सबसे पहले सभी भोजपुरी दर्शकों को नमस्कार, हम अनिल विश्वकर्मा। आज बहुत अच्छा लग रहा है कि हमार मोहरा फिल्म का मुहूर्त हो रहा है, कि जो हम लोग साथ में काम कर रहे हैं मंजूर जी के साथ में, फर्स्ट टाइम इनके साथ काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छा हमारी इनकी ट्यूनिंग है, बहुत अच्छा लग रहा है। एक अच्छी फिल्म बहुत जल्द सभी दर्शकों को देखने को मिलेगी। मंजूर जी, आप क्या कहना फिल्म के बारे में जानना चाहोगे? भाई, हमारे जो राइटर महोदय हैं अनिल जी, बहुत अच्छा सब्जेक्ट लेके आए हैं और इनका ये कहानी है और डायलॉग स्क्रीन प्ले सब इन्हीं का है। एक अपने आप में एक यूनिक सब्जेक्ट है जो आज सोशल समाज के अंदर जिस तरीके चल रही हैं, कृतियां हैं या विडम्बना है या जिस तरीके टेंशन क्रिएट हो रहे हैं, उन सभी का ताना बाना बुना है हमारे अनिल जी ने कहानी के अंदर। और बहुत ही शानदार कहानी इन्होंने लिखी है, राम और रावण के हिसाब से ही सारी कहानी चलती है। तो इससे ज़्यादा अभी बाकी तो सिनेमा आप देखेंगे तब पता चलेगा। थैंक यू सो मच सर। ये मेरी मेरा नाम साहिल अली कुरैशी है, राजस्थान में मेरी 3 मूवी आ चुकी है। बेसिकली भोजपुरी मूवी मेरी फर्स्ट टाइम आई है। इंशाल्लाह इसमें मैं मेरे दिल और जान से इसमें कोशिश करेंगे भोजपुरी मूवी इंडस्ट्री के लिए। और ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और इतने बड़े बड़े कलाकार, और इसमें जो रितेश पांडे जी है वो हमारे साथ काम कर रहे हैं। मैं सेकेंड लीड पर हूँ, मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ इस फिल्म में मेरे सेकंड लीड भी लिया गया है। और इसमें मेरे फादर एक्टर डायरेक्ट प्रोड्यूसर है। और इसीलिए थैंक यू। ओके, आपसे जानना चाहूंगा किस तरह का किरदार है राजस्थान से भोजपुरी आना, मतलब बहुत डिफरेंट है, लैंग्वेज अलग है, बहुत कुछ अलग है, तो ये सभी टैकल करने के लिए आर यू रेडी फॉर दैट? बेशक रेडी तो होना ही पड़ेगा क्योंकि फादर की ये मूवी है, बाकी सपोर्ट तो उनका भी रहेगा, इतने बड़े बड़े स्टार है अपने साथ। और गिरीश शर्मा जी है, 5 साल में हमें सिखा दिया है, 5 साल में सीख जाएंगे धीरे धीरे। फिल्म के बारे में बस इतना कहना चाहूँगा कि अनिल सर जो इस फिल्म के राइटर हैं, इनके साथ मैंने भी 2 फिल्में की हैं, बहुत ही अच्छा इनका राइटिंग का मेथड है, बहुत ही अच्छी तरीके से स्क्रीन प्ले एक्टरों को समझा देते हैं ताकि एक्टर बहुत ही अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाता है। जी, इस फिल्म का हिस्सा हूँ, अभी तक क्लियर तो नहीं हुआ है कि मैं किस कैरेक्टर को कर रहा हूँ, लेकिन जो भी करूँगा आप दर्शकों के लिए 100% देने की कोशिश करूँगा ताकि आपका प्यार और आशीर्वाद मेरे लिए बना रहे। जी, मैं हमारे मोहरा फिल्म के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, चूँकि मैं इस मूवी से जुड़ रही हूं और भोजपुरी में मेरी शुरुआत है। इसके पहले भी मैंने 3 मूवी कर चुकी हूं, अभी रिसेंटली मैंने राजा जानी किया। और मंजूर जी और गिरीश जी को मैं बहुत 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 धन्यवाद बताऊंगी, क्योंकि वो मुझे इस फिल्म में जोड़ रहे हैं, उनके जरिए मैं आप सबसे जुड़ रही हूँ। और आप सबका प्यार आशीर्वाद मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं यूपी से ही हूँ और भोजपुरी से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए जुड़ना चाहती हूँ। और आप लोग का प्यार आशीर्वाद मुझे बहुत ज़रूरत है, और आप लोग अपना प्यार आशीर्वाद देते रहिए। धन्यवाद। Global Advertiser for innovative outdoor solutions. Global as a company, it has never compromised on its service quality and commitment, and that is the reason our clients do keep on coming again and again to us for our service. The mission of the company is to rise on the graph of betterment for every campaign handled by us. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.